नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 4 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के ग्रामीण घरों में देश भर में सबसे अधिक नल का जल। बिहार के खनन विभाग में भरे जाएंगे रिक्त पद। आज होगा बिहार विधान परिषद का चुनाव। मैट्रिक के बाद उसी स्कूल में एडमिशन लेना होगा मुफ्त। आज होगा बिहार विधान परिषद का चुनाव। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के ग्रामीण घरों में देश भर में सबसे अधिक नल का जल। बिहार की नीतीश सरकार हर घर नल का जल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने का काम कर रही है। हालांकि बिहार सरकार की इस योजना पर विपक्ष का तो सवालिया निशान रहा है, लेकिन देश भर में बिहार ने अपने नाम नया कीर्तिमान दर्ज किया है, जिसके तहत ही देश भर में सबसे अधिक बिहार के ग्रामीण परिवारों के पास नल जल की सुविधा प्राप्त है। यहाँ तक 1,57,00,000 ग्रामीण घरों में नल का जल की आपूर्ति हो रही है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां 1,03,00,000 परिवारों को नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। भारत सरकार के जल जीवन मिशन हर घर जल द्वारा जारी 3 अप्रैल के आंकड़े में इसका उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने निकाली रिक्तियां। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने सहायक अभियंता के कुल मिलाकर 466 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मैकेनिक्स है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक इंजीनियरिंग अनुशासन में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 अप्रैल 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.mppsc.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार के खनन विभाग में भरे जाएंगे रिक्त पद। बिहार में जल्द ही खनन विभाग को भरा जाना है, क्योंकि वर्तमान समय में बिहार सरकार के राजस्व विभाग के पास संसाधनों की काफी कमी है। बालू से संबंधित खान एवं भूतत्व विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। विभाग में सहायक निदेशक, अपर निदेशक के साथ ही सैकड़ों की संख्या में अराजपत्रित कर्मचारियों के पद रिक्त है। अब रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की पहल पर विभाग ने रोडमैप तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। बीते दिनों मुख्य सचिव ने खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यकलापों की समीक्षा की। बैठक में यह बात सामने आई है कि विभाग में सहायक निदेशक, अपर निदेशक के करीब 40 पद रिक्त है। इन पदों को प्रोन्नति से भरा जाना है, लेकिन विभाग में अफसरों की कमी की वजह से प्रोन्नति से इन पदों को नहीं भरा जा सकता। यही नहीं, खान एवं भूतत्व विभाग में अराजपत्रित पदाधिकारियों के तकरीबन 314 पद रिक्त है, जिनको ही जल्द से जल्द भरने की तैयारी हो रही है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अरुण कमल की। अरुण कमल आधुनिक हिंदी साहित्य में समकालीन दौर के प्रगतिशील विचारधारा संपन्न और काव्यात्मक शैली के ख्यात कवि हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त इस कवि ने कविता के अतिरिक्त आलोचन भी लिखी है, अनुवाद कार्य भी किए हैं और लंबे समय तक वाम विचारधारा को फैलाने वाली साहित्यिक पत्रिका आलोचना का संपादन भी किया है। अरुण कमल का वास्तविक नाम अरुण कुमार है। साहित्यिक लेखन के लिए उन्होंने अरुण कमल नाम अपनाया और यही नाम उनकी स्वाभाविक पहचान बन गया है। उनका जन्म 15 फरवरी 1954 ईसा को बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में हुआ था। पेशे से वो पटना विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक हैं। बिहार पुलिस का होगा कायाकल्प। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए राज्य पुलिस को और ज्यादा सशक्त करने की जरूरत बताई है, जिसके तहत ही बिहार में पुलिस का कायाकल्प होने जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने राज्य में पुलिस की संख्या बढ़ाने सहित अनुसंधान को समयबद्ध करने पर जोर दिया है। पुलिस आधुनिकीकरण के संबंध में हुई एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कई तरह के दिशा निर्देश दिए, जिसके तहत ही उन्होंने पुलिस को थानों में अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए थानों का आधुनिकीकरण करने के बिहार पुलिस को निर्देश भी दिया है। आज होगा बिहार विधान परिषद का चुनाव। आज सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान होने जा रहे हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 4 कर्मियों की तैनाती की गई है। सभी केंद्रों पर वोटिंग की लाइव वेबकास्टिंग होगी। इससे मतदान केंद्र की स्थिति हिंदी भवन में बने कंट्रोल रूम में देखी जा सकेगी। यदि किसी केंद्र पर कोई गड़बड़ी हुई तो त्वरित कार्रवाई करने में मदद भी मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने की व्यवस्था की गई है। वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला परिषद सदस्य, नगर निकाय के प्रतिनिधि, विधायक, विधान पार्षद और सांसद भी वोटर है। इसके लिए राज्य में 534 बूथ स्थापित किए गए हैं। ज्ञात हो विधान परिषद की इन सीटों पर कुल 185 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। बिहार के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना।
बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल गया है। कई जिलों में लू तो कई जिलों में बारिश की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आलम कुछ यूं है कि मार्च में जहां भीषण गर्मी पड़ी, वहीं अप्रैल शुरू होते ही मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया। उत्तर बिहार में अगले 24 घंटे में मौसम में बदलाव के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में अधिक बारिश हो सकती है। वहीं पटना की बात करें तो राजधानी पटना में रविवार सुबह धुंध छाया रहा। उत्तर पूर्वी बिहार के कई जिलों में ऐसी स्थिति 3-4 दिनों से बनी हुई है। इस कारण मौसम सुहाना बना हुआ है। पिछले सप्ताह की गर्मी से राहत मिली है। पूर्वी चंपारण के अरिराज सोमनाथ मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। अरिराज में स्थित यह सोमेश्वरनाथ मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जहां प्रमुख रूप से भगवान शिव की पूजा होती है। खासकर सावन के श्रावणी मेले के दौरान यहां की सजावट भव्य और दिव्य होती है। इस मंदिर का गर्भगृह समतल से लगभग 20 फीट नीचे है। शहर का नेपाल के पास होने के कारण यहाँ पर तीर्थयात्री और भक्तगण पूरे बिहार के साथ साथ नेपाल से भी आते हैं। इस इलाके में अन्य भी कई मंदिर है, जिस कारण अरिराज को पूर्वी पारण के पवित्र शहर के रूप में जाना जाता है। मैट्रिक के बाद उसी स्कूल में एडमिशन लेना होगा मुफ्त। अगर आपने भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा पास की हो और आप आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो उससे पहले आप हमारी इस खबर को जरूर सुन लें। मैट्रिक उत्तीर्ण विद्यार्थी अगर अपने ही स्कूल में 11वीं में नामांकन लेंगे तो उन्हें 11वीं का नामांकन शुल्क नहीं देना पड़ेगा, यानी कि उनका नामांकन निःशुल्क होगा। इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को शिक्षण शुल्क और विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी एससी और एसटी के छात्रों को ना तो प्रवेश शुल्क लगेगा और ना ही स्थानांतरण शुल्क लगेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह के बाद बिहार बोर्ड द्वारा ओएफएसएस के माध्यम से 11वीं में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा विभाग के आदेश पर पटना डीईओ ने सभी स्कूल को इसकी जानकारी दे दी है। इतना ही नहीं, समय रहते इसकी जानकारी सभी विद्यार्थी को देने का निर्देश भी डीईओ पटना ने दे दिया है। बीपीएससी ने वेबसाइट पर किया सुधार। अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए बीते दिन अब बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पर सुधार किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6421 पदों पर प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर जारी विज्ञापन के आलोक में अभ्यर्थियों के लगातार आ रहे प्रश्नों के बाद बीते दिन ये पहल की। इसमें ही अनुभव को लेकर कई शर्तों में वेबसाइट पर भी आवश्यक सुधार किए गए, जिसको लेकर ही आयोग ने अपनी वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर सेवा शर्त को लेकर जानकारी साझा की है। इस बाबत आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानाध्यापक की नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई और सेवा शर्त नियमावली के तहत साल 2012 या इसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा पास होना जरूरी है। पटना मेट्रो के पीएमसीएच स्टेशन को बनाया जाएगा अंडरग्राउंड। पटना वासियों को अब जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने वाली है। इसी बीच मेट्रो से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत ही बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। इस यहां पर बन रही मेट्रो के प्रस्तावित पीएमसीएच स्टेशन का भूमिगत निर्माण किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर पहले कुछ और ही योजना थी। इससे पहले जमीन के ऊपर बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। वहीं बीते दिन अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अब स्टेशन परिसर के अंदर प्रवेश या निकास के लिए 2 द्वार होंगे। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के एक बयान के अनुसार 31 किलोमीटर लंबी पटना मेट्रो रेल परियोजना से बिहार की राजधानी में 10 लाख से अधिक यात्रियों को लाभ होने की उम्मीद है। इस परियोजना में दानापुर, मीठापुर, खेमनीचक कॉरिडोर और पटना रेलवे स्टेशन, पाटलिपुत्र टर्मिनल कॉरिडोर शामिल है। बिहार में आए कोरोना के 10 से कम मामले। बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 5 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद ही बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 17 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो दरभंगा, कटिहार में 1-1, मुजफ्फरपुर में 2 और पटना में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में 1 भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 80,904 सैंपल की जांच की गई। इस दौरान 7 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। मुंबई से बिहार आ रही पवन एक्सप्रेस हुई डीरेल। बीते दिन बिहार आ रही पवन एक्सप्रेस बड़े हादसे का शिकार हो गई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि महाराष्ट्र के नासिक में मुंबई से बिहार के बीच चलने वाली पवन एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार नासिक से 20 किलोमीटर दूर लाहवित और देवलाली के बीच 11061 LTT जयनगर एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में एक व्यक्ति की जान भी चली गई है, वहीं कई लोग को चोट भी आई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये वाकया दोपहर करीब 3:30 बजे हुआ। घटना के बाद मध्य रेल ने मौके पर राहत ट्रेन और मेडिकल वैन को भेजा है। साथ ही तहसीलदार, रेलवे पुलिस के अलावा भी दस्ता, बैकग्राउंड दस्ता मौके पर पहुंच गई। हादसे के बाद इस मार्ग पर रेल यातायात बाधित हो गया और अन्य ट्रेनों को दूसरे मार्ग पर डाइवर्ट कर दिया गया है। बिहार में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर।
हाल ही में बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत राय द्वारा बजट सत्र में 1 अप्रैल से बिहार में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने का ऐलान किया गया, जिस पर अब अमल होना शुरू हो गया है। इसके तहत ही रविवार को लगातार तीसरे दिन राजधानी पटना में अवैध निर्माण को तोड़ने का मिशन जारी रहा। पटना के बिहार विद्यापीठ के अंदर ही अवैध रूप से बने मकान और दुकानों को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर तोड़ा। लोगों का कहना है कि मात्र 24 घंटे का समय हम लोगों को दिया गया, 24 घंटे के अंदर ही हमारे घर और मकान को तोड़ दिया गया। वहीं इस मामले को लेकर बिहार में लगातार राजनीति भी गर्म है। चमकी बुखार से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार। गर्मी का मौसम आते ही बिहार में चमकी बुखार एक बड़ी समस्या बन जाती है और इसका कहर पनपने लगता है। हालांकि इस बार इस लहर से ज्यादा बच्चे प्रभावित ना हो, इसको लेकर अभी से ही तैयारियां तेज कर दी गई है, जिसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। मंगल पांडे की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीमारी के खतरे की संभावनाओं को देखते हुए स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों को विशेषज्ञों द्वारा उचित मार्गदर्शन दिया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस प्रकार से AES के मामले को हैंडल करना है। रविवार को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जानकारी दी कि हर साल गर्मी के मौसम में प्रदेश में कई बच्चे AES के चपेट में आ जाते हैं, इसको देखते हुए विभाग ने अभी से ही तैयारी तेज कर दी है। बोचहा में चुनाव प्रचार करने जाएंगे नीतीश कुमार। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जल्द ही इकलौते उपचुनाव वाली सीट यानी कि बिहार के बोचहा सीट पर चुनाव प्रचार करने जाने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार 10 अप्रैल को भाजपा उम्मीदवार बेबी कुमारी के पक्ष में वोट मांगेंगे। सूत्रों का कहना है कि उस दिन उनकी बोचहा विधानसभा क्षेत्र में 2 सभाएं होंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बोचहा में 12 अप्रैल को चुनाव होने हैं। यहां हो रहे चुनाव के पूर्व काफी नाटकीय घटनाक्रम हुआ और NDA में घटक दल रहे मुकेश सैनी ने इस सीट पर दावा ठोका। पहले मुसाफिर पासवान उन्हीं की पार्टी से विधायक थे, हालांकि उनकी जान जाने के बाद भाजपा ने सीट पर अपना दावा ठोका। इससे नाराज सहनी ने मुसाफिर के बेटे अमर पासवान को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में अमर पासवान खुद भी राजद में शामिल हो गए। मेक इन बिहार उत्पादों को मिलेगी प्राथमिकता। बिहार में अब मेक इन बिहार उत्पादों को प्राथमिकता देने की तैयारी हो रही है, क्योंकि राज्य में बाहर से उत्पादित सामान की जगह राज्य में उत्पादित सामानों को खरीदारी में प्राथमिकता देने पर विचार हो रहा है। रविवार को बिहार इलेक्ट्रिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के 12वें वार्षिक सामान्य सभा में राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाइप सरिया और जिसका उत्पादन बिहार में होता है और यदि उसकी गुणवत्ता सही है तो उनकी खरीदारी में बिहार उत्पादित सामान की वरीयता देना होगा। वो जिन कंपनियों से प्रदेश में बेचने के लिए सामान लेते हैं उनसे प्रदेश में ही फैक्ट्री लगाने और उनके सामान का उत्पादन करने का आग्रह कीजिए। उन्होंने जोर दिया है कि बिहार में मेक इन बिहार आंदोलन की आवश्यकता है। योगी के बुलडोजर मॉडल का उपेंद्र कुशवाहा ने किया खंडन। बिहार की राजनीति में इन दिनों यूपी के तर्ज पर बुलडोजर मॉडल लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। इसको लेकर बीते दिन छपरा में पुलिस प्रशासन ने एक फरार अपराधी के घर पर यूपी की तर्ज पर बुलडोजर चलवा दिया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार छपरा सारण जिले के सोनू रॉय की जान लेने के मामले में आरोपित विकास रॉय और जितेंद्र रॉय फरार है। सरेंडर नहीं करने पर पुलिस प्रशासन ने उनके घर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद ही घटना को लेकर भाजपा और जदयू आमने सामने दिख रहे हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि किसी एक अपराधी के कारण घर पर बुलडोजर चला देना सही नहीं है। बिहार में नीतीश मॉडल ही सही है, बिहार में योगी मॉडल की फिलहाल जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से भी इस मुद्दे को लेकर बयान दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बयान से बिल्कुल भी खिलाफ भाजपा दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने छपरा में अपराधी के घर पर बुलडोजर चलाने का समर्थन किया है। विजय सिन्हा ने बताया लेखा क्षेत्र में सुरक्षित है बच्चों का भविष्य। बीते दिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने देश के भविष्य को लेकर कई बातें कही, जिसके तहत ही बीते दिन भारतीय कॉस्ट अकाउंट और प्रबंधन संस्थान के पटना साहिब शाखा में छात्र छात्राओं का प्रतिभा सम्मान का हिस्सा बनने पहुंचे। विजय सिन्हा ने कहा कि ICMAI भारत की प्रमुख लेखांकन संगठन है और लागत लेखा के व्यवसाय को आगे बढ़ाने, नियंत्रित करने और विकसित करने का काम करती और प्रोफेशनल कोर्स के रूप में उत्तम प्रदर्शन कर रही है। ये पहल यकीनन छात्र छात्राओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेगा। बच्चों का भविष्य लेखा क्षेत्र में सुरक्षित है। उन्होंने कहा है कि बिहार प्रतिभा का धनी प्रदेश है। बदलते बिहार में उद्योग का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे भारी संख्या में CMA की जरूरत है। कांग्रेस ने बिहार सरकार को बताया कमजोर। दरभंगा में हाल ही में एक निजी कंपनी के कैशियर जटाशंकर चौधरी की जान लेने के मामले के बाद अब बिहार सरकार पर उंगलियां उठने लगी है। इसको लेकर ही बीते दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जटाशंकर चौधरी के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां परिजनों से मुलाकात के बाद ही मदन मोहन झा ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। साथ ही साथ कैशियर जटाशंकर चौधरी के परिवार से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पूरे बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। आलम कुछ यूं है कि सरकार इस पर अंकुश लगाने में विफल साबित हो रही है। दरभंगा जैसे शांत इलाके में शायद ही कोई ऐसा सप्ताह होगा जहां जब कोई दर्दनाक घटना नहीं घटती है। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना होने के बाद कोई भी अपराधी पकड़ा जाए या उस
को भय हो ऐसी स्थिति नहीं बन पाती है। जदयू ने जारी किया नीतीश कुमार का वीडियो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही इन दिनों राज्यसभा जाने के लिए चर्चा में बने हो, लेकिन जदयू की तरफ से उनके काम का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जा रहा है। इसके तहत ही बीते दिन जदयू ने एक खास वीडियो जारी कर इन चर्चाओं को विराम देने की कोशिश की। नीतीश कुमार को लेकर किस्म किस्म के कयास के बीच जदयू ने आवाज़ें बिहार नाम से रविवार को दो म्यूजिकल वीडियो जारी किया है। उक्त वीडियो का गीत भोजपुरी में है और धुन पारंपरिक है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से दोनों वीडियो को ट्वीट किया है। भोजपुरी गीत के साथ बनाए गए इस वीडियो में नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों का खास तौर से वर्णन किया गया है। सड़क और पुल के अतिरिक्त राजगीर के ग्लास ब्रिज और घोड़ा कटोरा को भी दिखाया गया है। 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए कोवोवैक्स की सिफारिश। देश भर में कोरोना के वर्तमान माहौल के बीच टीकाकरण अभियान को जोर शोर से किया जा रहा है। इस बीच अब 12 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान में कोवोवैक्स को शामिल करने की सिफारिश की गई। भारत की औषधि नियामक ने कोवोवैक्स को 28 दिसंबर को वयस्कों में आपात स्थितियों में सीमित उपयोग के लिए और 9 मार्च को 12 से 17 आयु वर्ग के लिए कुछ शर्तों के अधीन इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। जानकारों की माने तो कोविड-19 कार्यकारी समूह ने अब NTAGI के स्थायी तकनीक उपसमिति से सिफारिश की है कि कोवोवैक्स को 12 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाए। अगले मैच तक फिट हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स का ये तूफानी गेंदबाज। दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग को उम्मीद है कि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नोत्रुजे IPL में खेलने के लिए जल्द फिट हो जाएंगे और लखनऊ सुपर जॉइंट के खिलाफ 7 अप्रैल को होने वाले मैच में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। नोत्रुजे पीठ और कुल्हे की चोट के कारण पिछले साल नवंबर में T20 विश्व कप से ही बाहर हो गए थे। पोंटिंग ने कहा है कि खिलाड़ी के अभ्यास के दौरान अपनी पूरी क्षमता से गेंदबाजी की है। अब पूरी क्षमता से वो 4 और 5 स्पेल और करने होंगे, तब जाकर मुझे लगता है कि उन्हें क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका में खेलने का मौका मिलेगा। व्हाट्सएप के इन जरूरी 4 फीचर्स को हर यूजर को करना चाहिए इस्तेमाल। व्हाट्सएप एक बेहद सिक्योर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसके मैसेजेस को ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन बेस्ड मैसेजिंग सिस्टम पर काम करता है। लेकिन इसके बावजूद व्हाट्सएप की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स दिए जाते हैं जो यूजर सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है। इसमें सबसे पहले है फिंगरप्रिंट लॉक। फिंगरप्रिंट लॉक फीचर यूजर सेफ्टी के लिए बेहद जरूरी है। अगला है 2-स्टेप वेरिफिकेशन। 2-स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी मुहैया कराता है। अगला है डिसअपीयरिंग मोड। व्हाट्सएप का ये फीचर एक तय समय के बाद व्हाट्सएप मैसेजेस को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना ने 2008 में भाजपा सदस्यता स्वीकार किया। महाराष्ट्र के ठाणे में 2013 में अवैध रूप से निर्मित इमारत गिरने से तकरीबन 80 लोगों की जान गई। दार्शनिक श्री अरबिंदो घोष पौंडिचेरी पहुंचे जहां उन्होंने 1910 में योग और आध्यात्मिक केंद्र खोला। मशहूर हिंदी कवि लेखक नाटककार और पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश में आज के दिन हुआ था। भारत की मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री परवीन बॉबी का जन्म 1949 में गुजरात के जूनागढ़ में आज के दिन हुआ था। भारत की प्रसिद्ध समाजसेवी स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद हंसा मेहता का 1995 में निधन आज के दिन हुआ था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रमोद कुमार, सतीश कौशिक, आम्रपाली सिंह, दिलशाद आलम, प्रभात कुमार, पुष्कर कुमार, सत्यम सिंह, दिलजीत सिंह, आकाश सिंह, शिवाजी सिंह, प्रभा कुमारी, शिवानी सिंह, आलोक कुमार, अभय कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में आपराधिक मामलों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से उठाए जा रहे कदम से आप है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।